हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिश्चियन कॉलेज के एडमिशन के लिए 2021-2022 के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जो कि अभी आधे एक घंटे पहले हुआ है। तो अगर आप क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी BA, BSc और BCom के लिए एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, जिसमें BCom के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसमें आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ये सब फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ही आपको बता दिया गया है। तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ, जहाँ से मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बता सकूँ। तो इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं दिखाऊँगा, लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप फ़ीस पे कर देंगे उसके बाद ही कर पाएंगे। तो मैं ले चलता हूँ क्रिश्चियन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ कि इन कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और आपको किसी भी कोर्स के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आप आएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे या जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं और सर्च करेंगे क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। यहाँ आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी lcdc.edu.in। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये URL भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो डायरेक्ट क्लिक करके भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। कोविड से रिलेटेड ये पॉपअप आएगा, आप इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं नए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ लेटेस्ट में ही शो हो रहा है न्यू करके, रजिस्ट्रेशन फॉर BA, BSc एंड BCom सेमेस्टर फर्स्ट। तो आप यहाँ क्लिक हेयर का ऑप्शन है, आप यहीं से जा सकते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से पॉपअप आ जाएगा, तो आप इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे बताया है जो भी कोर्सेज के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप BCom के लिए अप्लाई करना चाहते थे तो यहाँ लिख के आ रहा है जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं मेल के लिए, तो यहाँ पे फीमेल के लिए नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप ऐसे ही मत अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर आगे फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के कुछ नियम हैं, कुछ चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे सभी प्रमाण पत्र, जैसे नॉर्मल सभी में होता है कि सारे प्रमाण पत्र आपको, जैसे इंटरमीडिएट और ये सारी चीज़ें आपको लगानी होगी। तो ये आपको पहले से तैयार रखना होगा, जैसे इसमें बताया है फ़ोटो आपको रखनी होगी 100 KB के अंदर, सिग्नेचर रखने होंगे अपने, निवास प्रमाण पत्र भी लगाया जाएगा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट अगर है तो आप लगा सकते हैं। अगर अपेयरिंग में है, अभी आपका पेपर नहीं हुआ, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा आगे। उसके बाद अगर SC ST से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ें इंग्लिश में बताई हैं जो चीज़ें ऊपर हिंदी में बताई गई हैं। उसके बाद अगर आप BA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये सेकेंड पॉइंट पढ़ लेंगे, तो हर पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे शुल्क जो पे करना है वो ₹700 का शुल्क है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बताई गई है, आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे, कैंडिडेट विद द इनकम्प्लीट मार्क्स और कंपार्टमेंट आर नॉट एलिजिबल, मतलब अगर यहाँ पे जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का और कंपार्टमेंट में है तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए क्या क्या है, यहाँ सब बताया है किस परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट को बता रखा है। तो यहाँ BA BCom 40-33% है, लेकिन ये देख लीजिएगा पहले आप कैटेगरी कौन सी है। BCom के लिए 40-33% है, ये मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं इंटरमीडिएट में, आपके इतने परसेंट कम से कम होने चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट जनरल हु कैन अप्लाई, तो यहाँ फीमेल के लिए सिर्फ BA, BSc और BSc मैथ्स में है, लेकिन BCom में नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे और ये एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का बटन आपको मिल जाएगा, आप यहां पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने फॉर्म आएगा, तो यहां मैं पूरे फॉर्म को फिल कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कहां पे आपको क्या क्या भरना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल भर ली हैं। जिसको एडमिशन लेना है पहले आप उसका नेम लिखेंगे, उसके फादर का नेम लिखेंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आधार कार्ड नंबर लिखेंगे जिसको अप्लाई करना है, कोर्स सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ ड्रॉप डाउन में से किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जेंडर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए कोर्स के हिसाब से पहले ही अलर्ट दे दिया है कि ये जो कोर्स है सिर्फ मेल के लिए अप्लीकेबल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार पे होगी वो मेंशन करेंगे, उसके लिए आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और ये जो कैलेंडर और ईयर का ऑप्शन आ रहा है ड्रॉपडाउन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इस तरह से खुल जाएगा। फिर आप अपने माउस से स्क्रॉल करेंगे, ये तो अप एंड डाउन हो सकता है, और अपना ईयर आप इसी में से फिर सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए फिर आप अपने ईयर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, पहले वहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट सेलेक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ एक ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, जहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना होगा और ये सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे।
तो देखिए सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, वो आपको यहाँ डाल के वेरीफाई करना होगा। OTP जो मुझे रिसीव होती है मैं उसको डाल के यहाँ वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे OTP मैंने इंटर कर दी है, ये टाइम चल रहा है, जब ये टाइम खत्म हो जाएगा अगर आपको OTP नहीं मिली उसके बाद ही आप रिसेंड कर पाएंगे। तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स का नेम है वेरीफाइड आ गया है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, जब आप पे कर देंगे उसके बाद ही आप अपना पूरा फॉर्म आगे के लिए भर पाएंगे। तो यहाँ आप पे फी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप कार्ड से पे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या वॉलेट से करना चाहते हैं। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 700 का पे है। तो ये डेमो वीडियो थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पेमेंट करके नहीं दिखा पाऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।